जो बहुप्रतीक्षित काम था वो काम आज उसका शिलान्यास हो गया, और आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से अभी बंशीधर तिवारी जी से गणेश जोशी जी पूछ रहे थे कितने दिनों में इसका लोकार्पण हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तय समय से पहले इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत चिलचिलाती धूप है और आप सब लोग इतने धैर्य से बैठे हैं। मैं भी सोच रहा था कि पता नहीं आपका इतना धैर्य ये वास्तव में हम सबको प्रेरणा दे रहा है, हमारा उत्साहवर्धन कर रहा है। कि मैंने देखा एक भी व्यक्ति, जितने लोग जब मैं कार्यक्रम में आया था उतने ही लोग, कार्यक्रम का अब समापन होने वाला है उतने ही सारे लोग अभी तक बैठे हुए हैं। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भगवान सूर्यदेव प्रचंड अपनी उस पर है, बेग पर है। आज यहाँ पर 215 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। ये सारी योजनाएं आने वाले समय में पूरे हमारे देहरादून के लिए विकास के मील का पत्थर साबित होंगी। हमारी सरकार ने पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया है, उसके हम शिलान्यास भी कर रहे हैं और लोकार्पण भी कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जिनका हम लोकार्पण करते हैं, जिनका शिलान्यास करते हैं, भगवान की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से उन सबका लोकार्पण भी तय समय पर करते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले विगत 2 माह में पूरे उत्तराखंड के अंदर हर एक जनपद में मैं गया, मातृशक्ति के बड़े बड़े आयोजन हुए। हमने हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मातृशक्ति महोत्सव पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आयोजित किए। उस दौरान अनेक अनेक अन्य कार्यक्रमों में भी जाना हुआ। पिछले दिनों टनकपुर में 2215 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन किया गया माननीय नितिन गडकरी जी के साथ। हरिद्वार में NHAI की 4700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। हरिद्वार में ही मातृशक्ति के कार्यक्रम में 1168 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। चंपावत में 161 करोड़ की योजनाओं का, अल्मोड़ा में 117 करोड़ की योजनाओं का, पौड़ी गढ़वाल में 828 करोड़ की योजनाओं का, रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसी प्रकार से टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर सभी जिलों में विगत 2 माह में करोड़ों करोड़ रुपए की जो योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, यह दर्शाता है कि हम किस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किस स्पीड और स्केल के साथ कार्यों को पूरा कर रहे हैं। जबकि पहले की सरकारों में, जैसा अभी उमेश भाई ने बताया, यहां पर आदरणीय प्रेमचंद जी ने भी बताया कि सरकारें योजनाओं की जो नींव तो रखती थी और चुनाव के बाद उन्हें करना भूल जाती थी, लेकिन हमारी सरकार जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है। क्योंकि हमारी सरकार हर क्षेत्र के संतुलित विकास पर हमने ध्यान केंद्रित किया है, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे अर्ध सरकारी क्षेत्र हो, अर्ध शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के विकास के प्रति हम संकल्पबद्ध है। हमारा जोर है कि सबका संतुष्टिकरण होना चाहिए, तुष्टिकरण किसी का नहीं होना चाहिए। जो वोट बैंक की राजनीति चलती थी, अब वो वोट बैंक की राजनीति समाप्त हो रही है, अब विकास आधारित राजनीति आगे बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार न जाति का सहारा लेती है, न झूठ का सहारा लेती है। हम कर्म करने पर विश्वास करते हैं, हम जो भी कहते हैं आपके आशीर्वाद से कहते हैं, आपके समर्थन के कारण से कहते हैं, और जो भी हम वादा करते हैं उसे हर हाल में पूरा करके दिखाते हैं, और आगे भी जो कहेंगे उसे हर हाल में पूरा करके दिखाएंगे। भाइयों बहनों,
आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, आस्था का सम्मान हो, आजीविका, रोजगार, स्वरोजगार हो, हर एक क्षेत्र में आज दुनिया भारत का दर्शन कर रही है। आज भारत के रुख का इंतजार हर एक मौके पर होती है। भारत की ताकत को ये सब बातें जो दुनिया के अंदर आज हमारे काम है, हमारे प्रधानमंत्री जी के काम है, वो भारत को प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं, भारत को एक नई पहचान देने का काम कर रहे हैं। देश के विकास की तरह ही आज देवभूमि उत्तराखंड का भी तेजी से विकास हो रहा है, तेजी से लोगों की धारणा बदली है, उत्तराखंड के प्रति एक भाव आज पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बना है। आज देवभूमि में इतने विकास के कार्य इसलिए हो पा रहे हैं, इतने हमारे उमेश भाई ने कहा कि हम इतने वोटों से जिताएंगे, 50,000 40,000 वोटों से कहा, इस बार कितने से कहा, इस बार इन्होंने कहा 70,000 वोटों से जिताएंगे। गणित 70% 80% वोटिंग जो है, टोटल वोटिंग के जो है रायपुर विधानसभा से जिताएंगे कहा। गणेश जोशी ने कहा उसमें 10,000 और जोड़ देंगे। और प्रेम भाई ने कहा कि जो है पिछली बार पहले नंबर पर थे, इस बार फिर उससे ज्यादा करेंगे हम। तो अगर ये हम सब कह पा रहे हैं, इतनी ताकत अगर किसी ने दी है तो ये ताकत आप लोगों ने दी है। आपकी ताकत के दम पर जो भी हम काम कर पा रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि जैसा अभी कहा इन्होंने कि एक मिथक तोड़ने का काम, एक परिपाटी बदलने का काम किसी ने किया है। और रात दिन जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो अभी ये मेरे बारे में ही कह रहे थे कि मैं दिन में यहां होता हूं, अभी इधर के कार्यक्रम में होता हूं, फिर उधर के कार्यक्रम में होता हूं, ये सारी ऊर्जा अगर किसी से प्राप्त होती है तो भाइयों बहनों आपसे प्राप्त होती है। आपसे प्रेरित होकर ये मन करता है कि हर क्षण और हर पल केवल और केवल अपने राज्य के विकास के लिए लगाएं। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से काम करती है, इस कारण देवभूमि में लगातार आज विकास के काम आगे हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि में विकास के कार्य होने के साथ ही नौजवानों के लिए रोजगार के भी अवसर तेजी से बढ़े हैं। नागरिकों की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। बहुत सारे काम जो बहुत सालों पहले हो जाने चाहिए थे वो काम अब जाकर धरातल पर उतर रहे हैं। पहले की सरकारों में जो विकास का इंजन था, उस विकास के इंजन को जंक लग गया था, वो इंजन बैठ गया था, वो इंजन चल ही नहीं रहा था। हमारे युवा वर्ग हताश हो गए थे, नागरिकों की सुविधाओं का अभाव हो गया था, गरीबों की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिल रहा था, किसानों के सम्मान की बजाय उनका अपमान हो रहा था। आज इसी का नतीजा है। इन सब पार्टियों को जनता ने न घर का छोड़ा है, न घाट का छोड़ा है। वो उनकी दुकानें जो थी, जो फर्जी दुकानें थी, ऐसी दुकानें थी जो केवल लोगों को कुछ दिखाती तो थी लेकिन उसमें कोई सौदा नहीं था, उन दुकानों को बंद करने का काम देश की जनता ने भी कर दिया, उत्तराखंड की जनता ने भी कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमेशा केवल और केवल अपने परिवार की चिंता करी, अपने दल की चिंता करी, अपनी पार्टी की चिंता करी। ऐसी पार्टियों ने, ऐसी सरकारों ने उस समय सबके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। नौजवान, किसान, सबके हितों को, उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम पहले की सरकारों ने किया। और तो और, हम जहां देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम वीरभूमि उत्तराखंड के भी हैं। 1947 से लेकर अगर आज तक की हम बात करें तो देश का कोई भी युद्ध हुआ हो, देश के अंदर कोई भी सुरक्षा की बात आई हो, तो उत्तराखंड के वीरों ने, यहां के सपूतों ने हमेशा बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सर्वोच्च बलिदान देने का काम देवभूमि के वीरों ने हमेशा किया है। भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा को भी खतरे में डालने का काम इन्होंने किया है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आज क्या नहीं है देवभूमि में, आप देखिए हर प्रकार से तेजी से देवभूमि आगे बढ़ रही है। यहां सबकी पसंद की चौड़ी सड़कें,
ऋषिकेश के साथ ही, ऋषिकेश में जहां हमारा एम्स चल रहा है, उधम सिंह नगर में भी एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हो रही हैं। दिल्ली देहरादून जो एलिवेटेड रोड जिसका काम चल रहा है वो बनने से तो मैं समझता हूं थोड़ी आप लोगों को जो है यहाँ अब अन्य लोगों का भी सामना करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कैसे हम इतने लोगों को संभालेंगे आने वाले समय में। 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आना जाना हो जाएगा। इस प्रकार की जो है नई नई चीजें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से काम चल रहा है, हवाई सेवाएं तेजी से बढ़ रही है। आज देश के हर शहर से देहरादून जुड़ चुका है, हर प्रमुख शहर से। आने वाले समय में हम नाइट लैंडिंग की सुविधा यहाँ पर हो, अन्य शहर जो रह गए उन शहरों के लिए भी व्यवस्थाएं हो। अभी अभी मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि अभी हमने देहरादून से अयोध्या की हवाई सेवा प्रारंभ कर दी है। भगवान राम और आदि देव के हम सब दर्शन कर पाएंगे। अमृतसर जाने के लिए सेवा शुरू हो गई है, यहाँ से बनारस जाने की सेवा प्रारंभ हो गई है। देहरादून से पंतनगर से दिल्ली की सेवा भी हम जल्दी ही प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से पिथौरागढ़ जाने की सेवा प्रारंभ हो गई है। गौचर और चिन्याली सड़क की जो सेवा है उसको भी निकट भविष्य में हम नियमित रूप से शुरू करने वाले हैं। हेली सेवाएं भी प्रत्येक जनपद में यहां से हो उसके लिए भी काम हो रहा है। आपने देखा होगा ऐसे में बहुत, अगर काम गिनाने लगूंगा तो आप समझिए कि बहुत सारे काम हो गए हैं। वो कई घंटों तक मैं गिनाते रहूंगा वो पूरे नहीं होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें विस्तार में नहीं जाता हूं। मैं जान रहा हूं कि आप लोगों को भूख भी लग गई होगी, काफी देर से धूप भी तेज है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहता हूं जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने कहा, नकल विरोधी कानून, इसके तहत नकल कराने वालों पर हमने कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया और पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून कहीं लागू हुआ तो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ। उसका परिणाम है आज हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन अनेक अनेक परीक्षाओं में, पहले भी वो परीक्षा देते थे लेकिन पहले उनका नंबर नहीं आता था, आज उनका नंबर आ रहा है। पारदर्शिता के साथ योग्यता क्षमता प्रतिभा वाले लोगों को आज चयन का अवसर मिल रहा है। गरीब माता पिता जो अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए अपने पेट मारकर, अपना कपड़ा न पहनकर, अपनी सारी सुख सुविधाओं में कटौती करने के बाद अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए भेजते थे, लेकिन उनका बच्चा उस चयन में नहीं होता था क्योंकि वो नकल के अपराध के कारण से उसकी मेहनत चोरी हो जाती थी, उसमें डकैती पड़ जाती थी, उसमें लूट हो जाती थी। हमने भाइयों बहनों ऐसे माता पिता और ऐसे बच्चों के लिए ये नकल विरोधी कानून बनाया कि उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा क्षमता अब बेकार नहीं होगी, अब उनको चयन का अधिकार मिलेगा, चयन का अवसर मिलेगा। दंगा अभी देखा होगा आपने, महिलाओं को अधिकार देने के लिए पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने, पूरे उत्तराखंड के लोग इस पुण्य काम के भागी हैं कि देश का सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून, समान नागरिकता की गंगोत्री, सबकी समानता की गंगोत्री अगर कहीं से निकली है तो देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। इसके साथ साथ ही लैंड जिहाद करने वालों के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है। अतिक्रमण आज 3,500 एकड़ से भी ज्यादा अतिक्रमण मुक्त पूरे उत्तराखंड के अंदर से सरकारी जमीनों को हमने कराया है। दंगा विरोधी कानून आपने देखा होगा, पिछले दिनों दंगा हो गया। अरे देवभूमि का संस्कार नहीं है, देवभूमि में तो शांति से रहने वाले लोग चाहिए, यहां पर वातावरण खराब करने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए देवभूमि के अंदर कोई उपद्रव करेगा, दंगा करेगा, आगजनी करेगा, इस तरह से जो है घटनाओं को अंजाम देगा जिससे देवभूमि का माहौल खराब होगा, तो हमने कहा हम इसके लिए भी सख्त कानून का प्रावधान कर रहे हैं। दंगा विरोधी कानून हम लेकर आ गए हैं। अब जो भी दंगा करेगा, जो भी उपद्रव करेगा, आगजनी करेगा, अगर नुकसान करेगा, निजी किसी का नुकसान करेगा या सरकारी संपत्तियों का नुकसान करेगा तो उसकी वसूली भी उसी से सुनिश्चित करवाई गई है, इस कानून के तहत उसी से सुनिश्चित होगी। अब आप स्वयं सोचिए क्या यह पहले की सरकारों के समय में संभव था, बताइए, जोर से बताइए, मैं जान रहा हूं गर्मी हो रही है लेकिन फिर भी जोर से बोलिए, नहीं था। लेकिन हमने हर असंभव कार्य चुनौती के रूप में स्वीकार किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से संभव करके दिखाया और आगे भी आपके आशीर्वाद से
हर एक चुनौती को स्वीकार करते हुए उस चुनौती को भी हम संभव करेंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबसे पहले पवित्र भूमि केदारनाथ से उन्होंने कहा था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने यही नहीं बताया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक इसलिए बताया था क्योंकि यह दशक देवभूमि के चहुमुखी विकास का दशक है, क्योंकि यह दशक उत्तराखंड की महिलाओं को समान अधिकार देने का दशक है, क्योंकि यह दशक उत्तराखंड के साथ ही मानस खंडन मंदिर माला के तहत मंदिरों के सौंदर्यीकरण का दशक है, क्योंकि यह दशक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का दशक है, क्योंकि यह दशक एक सक्षम समर्थ और विकसित उत्तराखंड बनाने की नींव का दशक है, क्योंकि यह दशक उन आकांक्षाओं को पूरा करने का दशक है जो कभी हमें असंभव लगती थी। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम इस दशक को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो तीसरे टर्म की सरकार आप सब बनाने वाले हैं, इस तीसरे टर्म की सरकार में उनकी आकांक्षाओं और उम्मीदों का दशक बनाएंगे, और प्रधानमंत्री जी के जो शिव रूपी शब्द हैं, उन शिव रूपी शब्दों को हरेक उत्तराखंड वासी आत्मसात करते हुए धरातल पर उतारेंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि उत्तराखंड हमारा इस दशक में एक आदर्श राज्य बन गया है, हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बन गया है। क्योंकि आज भारत जो सपने देखता है उसे पूरा करने का सामर्थ्य भी भारत रखता है, और इसी सामर्थ्य के साथ उत्तराखंड को भी आज विकल्प रही संकल्प के मंत्र के साथ हमें देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, यह हमारा संकल्प है। और इस संकल्प की सिद्धि तक पहुंचाने के लिए मुझे हमारे मंचासीन माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, आप सबका पहले की तरह जैसे हमेशा से आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, आपका समर्थन मिलता रहा है, आपकी शुभकामनाएं मिलती रही हैं, आप सबका सहयोग और समर्थन आने वाले समय में भी चाहिए। हम अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि आपका ये अधिकार, आपका ये समर्थन हमारे ऊपर है। आप अगर समर्थन करेंगे, आशीर्वाद देंगे, और उत्तराखंड के अंदर हमने संकल्प लिया है कि पिछली बार देखिए प्रेमचंद जी अभी बोल रहे थे कि 14 में जितने वोट मिले थे मोदी जी को, उससे ज्यादा 19 में मिले हैं, और 19 में जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा वोट 2024 में मिलने हैं। हम सबको एक करके दिखाना है, क्योंकि इसलिए दिखाना है कि मोदी जी ने कभी हमको यह एहसास नहीं होने दिया कि उत्तराखंड से ज्यादा प्राथमिकता उनकी कहीं रही हो, और हर अवसर पर उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड मेरा परिवार है, मैं उत्तराखंड का हूं। उन्होंने अभी हाल में पिथौरागढ़ दौरे में कहा था कि मैं यहाँ के पहाड़ों में, यहाँ की वादियों में, यहाँ के देव स्थानों पर मैंने लगातार भ्रमण किया है, झोला पकड़ के मैं लोगों के बीच में गया हूं। उन्होंने कहा है उत्तराखंड की देवभूमि से मेरा कर्म मर्म का रिश्ता है। जब वो हमको इतना मानते हैं, हमारे लिए इतनी योजनाएं उन्होंने दी है पिछले 10 साल के कालखंड में, तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो प्रेम, जो योजनाएं, जो विकास, जो अभूतपूर्व कार्य उन्होंने हमारे राज्य के लिए किए हैं, हम भी उनको अपनी ओर से उसके लिए प्रोत्साहित करें, उनका समर्थन करें, और 2024 में सारे कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए एक प्रचंड जीत 5 सीटों पर हम यहां से दिलाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हम सब यहां से कहते हैं, वो जो भी बातें हम यहां से कहते हैं वो आपके दम पर ही कहते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब हमेशा की तरह बढ़ चढ़कर इस बार भी समर्थन देंगे। अंत में मैं यहां पर गणेश जोशी जी ने, हमारे काऊ भाई ने और अन्य लोगों ने बहुत सारे पत्र मुझे दिए हैं घोषणा करने के लिए, कह रहे हैं मैं इनको सबको अपने साथ ले जा रहा हूं और इनको आगे के कार्यक्रमों में हम सम्मिलित करेंगे। और एक पत्र दिया था कि सिटी पार्क के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए हमको उमेश भाई ने दिया था, मैं उसका भी परीक्षण करवाकर आगे जो भी व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था को भी जो है सुनिश्चित करेंगे। अंत में मैं इस भव्य आयोजन के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त